यार ये बता, लंबी जिंदगी जीना है तो क्या करें? लंबी जिंदगी जीना है तो क्या करें? अरे तुम एक काम करो, पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, वजन कम करने के लिए कोई उपाय बताएं। वजन कम करने के लिए कोई उपाय बताऊं? एक काम करो, तुम एक रोटी रोज खाया करो। अच्छा, एक रोटी खाने से वजन कम हो जाएगा? अरे एकदम कम हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक रोटी खाने के पहले लेना है या खाने के बाद? गाइस, आईपीएल में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा तो फेवरेट प्लेयर कैमरामैन है, ससुरा सुंदर सुंदर लड़कियों को दिखाता है। सुनो, मुमताज के गुजरने के बाद उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो तुम मेरी याद में क्या बनवाओगे? अरे मैं तो तुम्हारी याद में पूरी सब्जी बनवाऊंगा। हे प्रभु, बारिश कर रहे हो या बॉडी स्प्रे मार रहे हो? वहाँ ऊपर भी फॉग चल रहा है क्या? रात को बीबी से मेरा झगड़ा हुआ, सुबह बीबी गुस्से से नहीं उठी, फिर मैंने ही खुद बच्चों को नाश्ता कराया, स्कूल के लिए तैयार किया, बीबी बेड से मुझे घूरती रही, फिर मैंने बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकला, तो इतने में बीबी उठकर बोली, अरे भांग पी लिए हो क्या? आज संडे है। बीबी जब गुस्से में हो तो अपना सामान एक घंटे में पैक कर लेती है, और वही कहीं घूमने जाना हो तो वही सामान पैक करने में उसको एक हफ्ते लगते हैं। ससुराल वाले हालचाल तो पूछ लेंगे, पर ये कभी नहीं पूछते कि बेटा हमारी बेटी के साथ तुम खुश तो हो ना। कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नजर में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है। कसम से मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया क्योंकि शाम को मुझे घर भी जाना था। सच कहूं तो तेरी याद में न जीते हैं न मरते हैं, इस बेरोजगारी में सुबह शाम कूलर में पानी भरते हैं। सुनो, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? अरे पागल का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकता है। भाई ये बता, ये विकास क्या है? विकास क्या है? अरे पेड़ काट कर किताब बना देना, यही विकास है। और पतन क्या है? पतन क्या है? अरे फिर उन्हीं किताबों में ये लिखना कि पेड़ मत काटो, यही पतन है। इस गर्मी में जिसकी नई नई शादी हुई होगी उस पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि बीबी भी हॉट और ऊपर से एक गर्मी भी हॉट। मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे आए हैं, सिर्फ आपके पैर स्पर्श करने चाहते हैं। अभी मिल लेना, वाइफ नहीं पत्नी बोला करो। मेरी पत्नी आई है, मेरे घर में पत्नी आई। वाइफ क्या होता है? हाँ पत्नी से, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगनी। अर्धांगनी क्या है आपकी? अर्धांगनी। अभी तो वाइफ कह रहे थे। नो 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 नो, यही क्या है? जो वाइफर से मारे वो वाइफ होती है। फिरते हो क्या? नहीं फिर ठीक है, अर्धांगनी।